हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स नोट्स। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास एलेवंस के। तो मैंने कहा कि जितना तक हो सकेगा मैं नोट्स आपको दूंगा। तो अभी एलेवंस के है ये। तो हर वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई है कि पहली बात कि नोट्स आप तभी बनाओ जब कई बार आप किताबें पढ़ चुको, और सेकेंड नोट्स आप बनाओ तो खुद से बनाओ, क्योंकि हर एक का नोट्स अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होता है, एक ही सभी का नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बनाओगे तो आपके लिए वो और बेहतर होगा, रिकॉल कर पाना उसको बहुत कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा आपके लिए, तो बेहतर होगा। तो ये 10वां चैप्टर है। इसी के साथ ये क्लास 11 का ये जो इकोनॉमिक्स है ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कोई और लेसन 10 या 9 कोई भी क्लास फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पोषणीय आर्थिक विकास। पोषणीय आर्थिक विकास, तो सबसे पहले मुख्य बिंदु क्या होगा इसके लिए, तो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति धारणीय विकास कहलाती है। मतलब धारणीय विकास क्या है कि एक पीढ़ी आपके सामने है और एक पीढ़ी जो भविष्य के गर्भ में है, तो भविष्य के गर्भ में जो पीढ़ी है जो भविष्य में है उसको अब उसकी आवश्यकताओं को क्या है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति धारणीय विकास है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस को अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और भविष्य के पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं कर रहे, यानी कि उनके लिए भी हम इस तरीके से हम रिसोर्सेस को उपयोग कर रहे हैं कि हमारे उपयोग करने के बावजूद भी आने वाले लोगों के लिए भी ये रिसोर्सेस कम नहीं पड़ेंगे, ये रिसोर्सेस उनके काम के भी होंगे। तो ऐसे सोच के साथ क्या होता है, ये धारणीय विकास कहलाता है, यानी कि ये जो विकास है ये धारणीय विकास है। तो इस प्रकार मुख्य सिद्धांत है कि निश्चित संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में सभी संसाधन उपलब्ध रहे। मतलब समझ रहे कि हम रिसोर्सेस को इस तरीके से उपयोग करें कि ऐसे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन रिसोर्सेस को उपयोग में ला सके और बेहतर तरीके से इसको एंजॉय कर सके, जैसे कि अभी हम और आप कर रहे हैं, ठीक है। 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी वो उपयोग किया जा सके। तो इसका अर्थ है धारणीय विकास की अवधारणा मुख्यतः 3 आधारों पर निर्भर करती है। तो धारणीय विकास की अवधारणा जो है ये 3 बेस पर जो है टिका हुआ है। आर्थिक पर्यावरण, मतलब आर्थिक तौर पर आप इस तरह के ही विकास करो कि जो पर्यावरण के बिल्कुल वायबल हो, पर्यावरण के बिल्कुल नुकसानजनक ना हो, तथा सामाजिक या पारिस्थितिकी जो एक सामाजिक इकोलॉजिकल है वो भी इसी में आता है। तीसरा अर्थव्यवस्था और समानता। अर्थव्यवस्था जब ठीक होगी तो जाहिर सी बात है कि एक असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो कुछ लेखकों ने चौथे आधार के रूप में संस्कृति को भी स्वीकार किया। मतलब रहने सहने का जो ढंग होता है उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो ये चौथे रूप के रूप में जो है धारणीय विकास के चौथे रूप में जो है इसको स्वीकार किया गया है कुछ लेखकों के द्वारा। पहला है आर्थिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक परिस्थितिकी, और तीसरा है अर्थव्यवस्था और समानता, और चौथा को आप मान सकते हो संस्कृति, जो हमारे रहने सहने का ढंग है, ठीक है। तो संसाधनों पर आर्थिक विकास का प्रभाव, तो क्या हो रहा है, मतलब जो रिसोर्सेस है जो हम विकास की तरफ अग्रसर हो रहे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो इससे हमारे संसाधनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों को निस्तर पतन का कारण है। जो भी हमारे रिसोर्सेज अभी खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, या फिर समाप्त होने के कगार पर है, इसके रीजंस क्या है कि हम संसाधनों को आर्थिक रूप में बहुत ही अधिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और लापरवाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों को अतिशय दोहन, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है उसका दोहन कर रहे हैं बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी रिसर्च के कि इसका क्या नतीजा, रिजल्ट, परिणाम हमारे सामने निकल के आएगा, तो ये भी कंसर्न होना चाहिए। तीसरा, निस्तर तीव्र आर्थिक विकास संसाधनों की कमी उत्पन्न कर रहा है तथा उनकी गैर धारणीय बना रहा है। मतलब एक चीज़ आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके ख़त्म कर दोगे तो दूसरा चीज़ क्या होगा उससे प्रभावित होगा और फिर आने वाले वक्त में उस चीज़ की काफ़ी किल्लत हो जाएगी। चौथा, उन्नत तकनीक द्वारा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि। तो ये क्या है, आर्थिक विकास क्या कर रहे हैं, उन्नत तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए डेली हर दिन हर एक मिनट कुछ ना कुछ खोज हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं अपने पास जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग कर रहे हैं और हमारी तकनीक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये भी हमारा जो है आर्थिक विकास का प्रभाव है हमारे क्लाइमेट पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे दुनिया पर। संसाधनों का प्रतिस्थापन उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और कहीं ज़्यादा जा करके जमा हो जाता है तो कहीं पर कुछ नहीं रहता है। तो पर्यावरण का आर्थिक विकास का प्रभाव,
इसका प्रभाव देखिए, आर्थिक विकास और तीव्र वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता में कमी आती है, पर्यावरण संकट उत्पन्न कर सकता है, धारणी विकास में कमी आ जाएगी, वनों का निम्नीकरण, वर्षा में कमी, मतलब वन कम हो जाएंगे, कट जाएंगे तो वर्षा भी कम होगी, मत्स्य संसाधनों का अधिक दोहन, मछलियों का जो जीव है उनका जो दोहन हो जाएगा ज़्यादा, सभी सड़कें, होटल, माल इत्यादि निर्माण से जैव विविधता की हानि होगी। तो वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हमारे इस पृथ्वी के ऊपर, जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली गैस, वनों का विनाश के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में क्या है, वृद्धि हो रही है। वैश्विक उष्णता के प्राथमिक स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस ये है। तीव्र उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन का उपयोग, मीथेन का उत्पादन, कृषि कार्य, देखिए एक हमारे पर्यावरण में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। नेक्स्ट जो जलाते रहे, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह और जितने भी ईंधन जो भी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो ये सबसे क्या हो रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उसका जो है हमारे पर्यावरण के ऊपर जो है बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और समुद्र के तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि तापमान मतलब ये है कि लेवल बढ़ जाएगा और फिर इसके साथ जो है काफ़ी तबाही आ सकती है। तो वैश्विक उष्णता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था, इस पर हर एक साल UPSC कुछ ना कुछ सवाल पूछ देता है। तो ये था हमारा 10वां चैप्टर, इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम फिर से आपको मिलेंगे इसी इकोनॉमिक के सीरीज के साथ। ओके, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब सब्सक्राइब कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।